हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट बॉन्डिंग, कि बॉन्ड आपके कितने टाइप के होते। तो बॉन्ड हमने देखा था 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट था आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहला था आपका आयनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा था आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड तीसरा था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बॉन्ड के हमने 3 टाइप डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन वाज आयनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सेकंड वन वाज कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड वन वाज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हमने डिटेल में देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। अभी जो टर्म है इलेक्ट्रॉन, यही आपको नहीं पता होगा कि क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन आपके क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं नाम लिखवा देता हूँ, फिर मैं इलेक्ट्रॉन बताता हूँ कि क्या होता है ना। आपको इलेक्ट्रॉन 3 पढ़ने हैं, 3 ही मेन इलेक्ट्रॉन है कार्बन के जो नेचर में पाए जाते हैं। 3 मेन इलेक्ट्रॉन है, राइट, ठीक है। 3 कौन कौन से मेन इलेक्ट्रॉन है, देखो पहला आपका डायमंड, ठीक है, डायमंड है ना, सबने सुना इसके बारे में, डायमंड। सेकेंड है आपका ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फुलेरियम। थर्ड वन इज फुलेरियम, राइट, डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलेरियम। डायमंड ग्रेफाइट एंड फुलेरियम, राइट। फर्स्ट वन इज डायमंड, थर्ड सेकंड वन इज ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फुलेरियम। हमको इनको डिटेल में पढ़ना है। तो ये आपके क्या इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोप क्या होता है, राइट, कि इलेक्ट्रोप्स होते क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रोप होते क्या है। तो ध्यान दें, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोप क्या होते हैं, ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोप क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि कार्बन के इलेक्ट्रोप का मतलब है कि नेचर में कार्बन किस किस फॉर्म में पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन। जैसे नेचर में अगर आप कार्बन ढूंढने जाओगे, कार्बन एलिमेंट ढूंढने जाओगे, अगर आप नेचर में कार्बन एलिमेंट ढूंढने जाओगे तो आपको डायमंड के फॉर्म में मिलेगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलेगा और फुलेरिन के फॉर्म में मिलेगा। किसमें? डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में एंड फुलेरिन के फॉर्म में। यानी कि नेचर में कोई एलिमेंट जिस जिस फॉर्म में पाया जाता है, वो फॉर्म उस एलिमेंट का क्या होता है, इलेक्ट्रोप होता है। नेचर में कोई एलिमेंट जिस फॉर्म में पाया जाता है, वो फॉर्म आपका क्या होता है, उस एलिमेंट का क्या होता है, इलेक्ट्रोप होता है। ध्यान दें कि नेचर में एलिमेंट जो है जिन जिन फॉर्म में पाए जाते हैं, वो इस एलिमेंट का क्या होता है, इलेक्ट्रोप होता है। इसका मतलब नेचर में अगर हम कार्बन एलिमेंट को ढूंढने जाएंगे, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, कार्बन एलिमेंट को अगर हम ढूंढने जाएंगे, नेचर में हम कार्बन एलिमेंट को ढूंढने जाएंगे, तो कार्बन एलिमेंट हमें डायमंड के फॉर्म में मिलेगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलेगा एंड फुलेरिन के फॉर्म में मिलेगा। किस किस फॉर्म में? डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में एंड फुलेरिन के फॉर्म में मिलेगा, राइट। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि डायमंड क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और ग्रेफाइट क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और फुलेरिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज डायमंड, फर्स्ट वन इज व्हाट, डायमंड। तो डायमंड में पहला पॉइंट हो गया कि भाई इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन है, वो तो इसका सब पॉइंट ही हो गया। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोप ऑफ क्या है, कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रोप है, खास बात ये है, ठीक है। अब कहोगे सर कार्बन का इलेक्ट्रोप है तो इतना चमकता क्यों, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, अब इसमें क्या होता है, कार्बन एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा होता है। ध्यान दें इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक कार्बन आपका 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे ये कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, सिमिलरली ये वाला कार्बन भी आपका 4 कार्बन से जुड़ा होगा। देखो कोई एक पर्टिकुलर कार्बन जो होगा अदर 4 कार्बन से जुड़ा होगा, किसी भी कार्बन को देख लो, वो अदर 4 कार्बन से अटैच होगा, वो अदर 4 कार्बन से अटैच होगा, सारा बना पाना बहुत मुश्किल है। किसी आप कार्बन को देख लो, जैसे ये पर्टिकुलर कार्बन, तो ये इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है और इससे अटैच है, 4 हो गए। वैसे आप किसी को भी देख लो, सारे 4 से अटैच होंगे, ठीक है, ये भी आपका 4 से अटैच होगा। अब मैं सबका नहीं बना सकता क्योंकि फिर चेन तो लंबी चलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, बड़ा नेटवर्क होता है, इस तरह का बड़ा नेटवर्क होता है। एक कार्बन आपका 4 कार्बन से अटैच होता है। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है। कोई भी आप एक कार्बन उठाएंगे तो 4 और ज्यादा कार्बन से अटैच होगा, राइट, है ना। नेचर में आपका क्या होगा, वन कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन, राइट, 4 अदर कार्बन। क्या था, एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन से क्या है, अटैच होता है, और इस तरीके से लंबाई क्या बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है, क्या बना लेता है, नेटवर्क बना लेता है,
वेरी लॉन्ग नेटवर्क बना लेता है। कैसा बना लेता है? वेरी लॉन्ग नेटवर्क, सीधी सी बात है, वेरी लॉन्ग नेटवर्क के फॉर्म में रहता है। तो ध्यान दो, डायमंड कैसा है? डायमंड एलोट्रोप है, किसका? कार्बन का। डायमंड क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का, जिसमें एक कार्बन आपका चार अलग अलग कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन आपका फोर अदर कार्बन से अटैच्ड है, राइट? एक कार्बन आपका क्या है? फोर अदर कार्बन से क्या है? अटैच्ड, राइट? फोर अदर कार्बन से क्या है? अटैच्ड। तो आप ऐसे बनाते जाएंगे, किसी भी एक कार्बन को आप चार कार्बन से जोड़ते जाएंगे, किसी भी एक कार्बन को आपको चार अलग अलग कार्बन से अटैच करते जाना है। चार अलग अलग कार्बन से क्या होगा? अटैच होता जाएगा इस तरीके से। चार अलग अलग कार्बन से क्या होगा? अटैच होता जाएगा इस तरीके से, राइट? ठीक है, तो ये बहुत लंबा नेटवर्क बन जाता है ना। इसमें मैंने बहुत सारे आपको बहुत सारे ऐसे कार्बन दिख रहे होंगे, जैसे आपको आप ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि सर इस कार्बन का क्या, आपने तो गलत बना दिया, इसको तो एक ही कार्बन से जोड़ा है। क्योंकि बच्चों अब कितने कार्बन का बनाएंगे, इसको भी चार से जोड़ोगे इस तरीके से, देखो एक दो तीन चार हो गया, तो ऐसे सबको जोड़ना पड़ेगा ना। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नेटवर्क, राइट? दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नेटवर्क। ये क्या होने वाला? वेरी लॉन्ग नेटवर्क, राइट? दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग नेटवर्क। इसी वजह से इसे हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, है ना? ड्यू टू दिस है ना, इट इज रिगार्डेड एज नेटवर्क सॉलिड होता है। इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड। और नेटवर्क सॉलिड होता है बहुत हाई फाई नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो यूजुअली हम क्या कहते हैं, हमने मेटल से नॉन मेटल से बात करी थी कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स तो नहीं होते। लेकिन हमने एक्सेप्शन में क्या लिखवाया था? डायमंड। क्या लिखवाया था? डायमंड। और डायमंड को देखो, नेटवर्क कितना लंबा है ना, इसका एकदम जकड़े हुए नेटवर्क में, बहुत हाई फाई नेटवर्क में जकड़े हुए, है ना? नेटवर्क सॉलिड है ना, बहुत ही लॉन्ग नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है ना। एक कार्बन चार अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, ड्यू टू दिस इसकी वजह से नेटवर्क लंबे नेटवर्क होने की वजह से, पहला तो क्या, इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और इसी रीजन की वजह से, है ना, ड्यू टू दिस लार्ज नेटवर्क है ना, डायमंड क्या होता है? वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। ड्यू टू दिस लार्ज नेटवर्क, दिस इज वेरी हार्ड। पहली बात तो ये क्या है? बहुत हार्ड सब्सटेंस। दिस इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। डायमंड क्या? बहुत ज्यादा, वेरी हार्ड कहना बहुत गलत है, वेरी वेरी हार्ड सब्सटेंस, राइट? डायमंड क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। इसी लार्ज नेटवर्क की वजह से डायमंड क्या है? बहुत ही बड़ा, क्या है आपका, बहुत ही लंबा नेटवर्क, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, पहली चीज। और दूसरी बात ये, आप इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे देखते हैं। तो इस लंबे नेटवर्क की वजह से, डायमंड का इस लंबे नेटवर्क की वजह से क्या है, ये बहुत ज्यादा हार्ड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। क्या होता है? इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। पहला तो क्या है, बहुत हार्ड है, बहुत लंबा नेटवर्क होने की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है? और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। अगर पूछा जाए बॉन्ड का नेचर कैसा है, बॉन्ड का नेचर कैसा है, तो देखो एक कार्बन चार अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन क्या है, चार अलग अलग कार्बन से अटैच है, एक कार्बन चार अलग अलग कार्बन से अटैच है, और ये चारों अलग अलग कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये सारे आपके क्या है? सिंगल बॉन्ड, राइट? ये भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है? तो ये सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन क्या है आपके, कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, राइट? कार्बन कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे नेचर बॉन्ड के कैसे सिंगल बॉन्ड है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक कार्बन दूसरे चार कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, राइट? बहुत लंबा नेटवर्क बनता है, नेटवर्क सॉलिड होता है, बहुत हार्ड होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई है। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, है ना? डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं चमक की, है ना, जिसके लिए आप बहुत देर से कह रहे हो। डायमंड यूजुअली कैसा होता है बच्चों, मतलब आपने जो मूवीज में देखा हो ऐसा देखा होगा, फिर उसमें से छोटे 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 इस तरह के देखे होंगे आपने शेप, डायमंड के अंदर इस तरह के शेप देखे नहीं देखे, ऐसे कोने कोने जैसा होता, कोने कोने जैसा होता, इस तरह का कुछ शेप देखा होगा आपने डायमंड में, ऐसा देखा होगा, मतलब देखने में तो ऐसे ही लगता है इस तरह का, है ना?
ना, तो क्यों आप सोच, आपने सोचा कि डायमंड को ऐसा ही क्यों दिखता है? डायमंड हमेशा ऐसा ही क्यों दिखता है? इस तरह का क्यों दिखता है? जैसा मैंने आपको बना रखा है, ऐसे छोटे छोटे कट्स होते हैं इसमें, छोटे छोटे क्या होते हैं, कट्स होते हैं। तो डायमंड में ऐसे कट्स क्यों होते हैं? कभी सोचने की कोशिश की है? ठीक है, क्योंकि डायमंड असलियत में चमकीला नहीं होता, डायमंड असलियत में खुद चमकीला नहीं होता, इसे चमकीला बनाया जाता है। इसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो। डायमंड की कटिंग कुछ इस तरह से की जाती है, ब्रिलियंस एंगल आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैं भी आपको समझा सकता हूँ उस चीज को, ब्रिलियंस एंगल बोलते हैं उसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रिलियंस एंगल। ठीक है, कि डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है ताकि वो चमके, है ना, वहां से लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो कि वो चमकता हुआ दिखाई दे पूरी तरह। डायमंड लाइट की वजह से चमकता है, डायमंड के अंदर खुद की कोई चमक नहीं होती, डायमंड के अंदर खुद की कोई चमक नहीं होती। डायमंड को इस तरह से कट किया जाता है, स्पेशल एंगल पे कट किया जाता है, ब्रिलियंस एंगल बोलते हैं, है ना, स्पेशल एंगल पे कट किया जाता है ताकि वो चमकता हुआ दिखे बच्चों, समझे? तो वो कटिंग होती है, उसकी वजह से डायमंड बहुत चमकता है। ऐसा मत समझना कि हो सकता है आपको कोई डायमंड ऐसा मिले जो चमकता हुआ ना हो, तो उसके चमक को मत जाइए। ठीक है, उसको काटना पड़ता है। आप सारे बच्चों में भी एक डायमंड छिपा हुआ है, बस उसको एक प्रॉपर एंगल देना। जैसे आपका डायमंड चमकता नहीं है, वैसे आप भी हो, डायमंड अगर ऐसा हो तो चमकेगा नहीं। उसको जब प्रॉपरली कट करता है, एक इंजीनियर जो होता है, जो मास्टर होता है, उसको जब प्रॉपरली कट करता है तो एक स्पेशल एंगल पर चमक जाता है ना, एक स्पेशल एंगल पर चमकता रहता है। आपको भी अपने लाइफ का वो एंगल डिफाइन करना, वो ब्रिलियंस एंगल पाना है ना, अपने लाइफ का वो एंगल अपने अंदर सेट करना है जिस पे आप चमकेंगे, ठीक है, और डायमंड जैसे बनेंगे। वरना डायमंड भी देखो, डायमंड दुनिया का इतना महंगा सब्सटेंस है, मतलब इतना महंगा है, जो सोने चांदी से भी महंगा है डायमंड, राइट? लोग कहते हैं डायमंड की रिंग है, डायमंड का ये, ठीक है। तो वो चीज है कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायमंड का बहुत ज्यादा हाई है। डायमंड का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और ये चमकता है क्यों, क्योंकि स्पेशल कट दिया जाता है, उसकी वजह से चमकता है, राइट? तो ये डायमंड का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है। अगर आप बोले इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो नहीं कंडक्ट करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, राइट? चलिए नेक्स्ट आपका ग्रेफाइट, नेक्स्ट है क्या आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना आपको। तो ग्रेफाइट भी आपका क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट क्या आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ये कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है जिसमें एक कार्बन तीन अलग कार्बन से जुड़ा हुआ, वन कार्बन इज अटैच्ड विद, वन कार्बन इज अटैच्ड विद, इज अटैच्ड विद थ्री अदर कार्बन, थ्री अदर कार्बन, डायमंड में फोर अदर कार्बन थे ना, थ्री अदर कार्बन, थ्री अदर कार्बन। पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको एक पॉइंट लिखने में और आराम रहेगा। डायमंड में क्या था, एक कार्बन जो था वो चार अदर कार्बन से जुड़ रहा था, ग्रेफाइट में एक कार्बन होता है, ग्रेफाइट वही है जो पेंसिल में यूज होती है बच्चों, क्यों यूज होती है मैं आपको सब समझाता हूँ, डोंट वरी। तो वन कार्बन इज अटैच्ड विद थ्री अदर कार्बन, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, कि जो भी कॉर्नर्स है वो आपका कार्बन है, वो जो भी कॉर्नर्स है वो क्या है, आपके कार्बन है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। इस तरीके से फिर एक लेयर ऐसे नीचे भी होती है, सिमिलर बिल्कुल एग्जैक्ट लेयर आपके नीचे भी होती है, अब ऐसे थोड़ा सा गैप होता है, फिर ये आपका एक लेयर है, क्या मान लीजिए लेयर वन, लेयर वन मान लीजिए, तो ऐसे एक लेयर इसके नीचे भी होगी, इसके नीचे भी एक लेयर होगी, लेयर्ड फॉर्म में होता है ना, इसको आप एग्जैक्ट बनाना चाहेंगे तो एकदम बिल्कुल डिप्टो आइडेंटिकल लेयर होगी, कैसी होगी, आइडेंटिकल लेयर, आइडेंटिकल लेयर होगी, ठीक है, कैसी लेयर होगी, आइडेंटिकल। तो एक लेयर होगी देखो हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में, ये रिंग कैसी, देखो हेक्सागोनल है, सिक्स साइड की रिंग है, हेक्सागोनल रिंग है, ये कैसी रिंग है, ये सब ग्रेफाइट के पैरामीटर है, हेक्सागोनल रिंग है, कैसे है, हेक्सागोनल रिंग है, इसमें एक कार्बन, कोई भी एक कार्बन देखो तो वो थ्री अदर कार्बन से अटैच है, ये आपका कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो एक कोई पर्टिकुलर कार्बन अगर आप देखेंगे तो तीन अलग कार्बन से अटैच है, तो वन कार्बन इज अटैच्ड विद थ्री अदर कार्बन, है ना। दूसरा आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना, इसमें आपका मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो मूव कर सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल का मतलब क्या होता है, जो मूव कर सकता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट में क्या होता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है,
और इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से, मोबाइल का मतलब होता है जो मूव कर सके, तो इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें मूवमेंट हो पाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर पाता, मूव कर पाता, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, क्या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो मूवमेंट ज्यादा करता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन करता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो ड्यू टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन इस मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ड्यू टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, तो ग्रेफाइट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होती है एक दूसरे में चिपकी चिपकी, तो आपकी ये लेयर वन होगी, बिल्कुल ऐसे डिप्टो लेयर, बिल्कुल सेम टू सेम लेयर आपके नीचे भी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम लेयर कहाँ होती है, नीचे होती है। जैसे ये लेयर है वैसे सेम टू सेम लेयर क्या होती है, नीचे होती है। ये लेयर आपका बिल्कुल सेम टू सेम लेयर कैसी है, नीचे भी होगी, ये लेयर वन और दूसरी लेयर नीचे होगी। तो लेयर जो होती है एक दूसरे पे क्या कर सकती है, ये लेयर क्या करती है, एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती है, वन लेयर टू लेयर ऐसे, तीसरी लेयर भी होगी ऐसे, चौथी लेयर भी होगी। तो दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, ये लेयर्स क्या कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। बच्चों दीज लेयर्स These layers can slide over each other. ये layer क्या कर सकते हैं, एक दूसरे ऊपर slide कर सकते हैं। अब slide कर जाने की वजह से, दूसरे ऊपर slide कर जाने की वजह से fission create हो जाती है, एक दूसरे ऊपर slide कर सकते हैं। That is why graphites can act as lubricants also, जैसे vaseline होता है ना, lubricant आपने देखा grease वगैरह, वैसे ही आपका क्या ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में होता है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, हैवी मशीनरी में यूज होता है लुब्रिकेंट की तरह, ड्यू टू है ना, क्योंकि लेयर दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, बिकॉज दीज लोग है ना, दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, हेंस ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज, क्योंकि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है, हेंस है ना, ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, जो फ्रिक्शन क्रिएट करे, सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम करे, लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट की तरह, लुब्रिकेंट क्या होता है, जो फ्रिक्शन को घटाता है। तो हैवी मशीनरी क्या होती है, मान लो दो मशीनरी है, ऐसे रोलर है, इसके बीच में फ्रिक्शन है, इसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तो इसमें क्या करेंगे, ग्रेफाइट डाल देंगे। ग्रेफाइट क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, वो फ्रिक्शन को कम करता है, क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ग्रेफाइट आपका फ्रिक्शन को कम करता है। तो ग्रेफाइट आपका लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, किसकी तरह यूज होता है, लुब्रिकेंट की तरह, राइट। तो दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यू टू दिस स्लाइडिंग है ना, दीज लेयर्स कैन बी स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यू टू दिस स्लाइडिंग है ना। अब क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहे हैं, दीज लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, हेंस ग्रेफाइट कैन एक्ट एज लुब्रिकेंट। क्या होगा, जब इसको दो सॉलिड सरफेस में डालेंगे तो ये क्या करेगा, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करता है, इसका मतलब फिसलन क्रिएट होती है, ये लुब्रिकेंट की तरह अच्छा काम कर सकता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। और लेयर स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेयर्ड होता है, राइट, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। तो ये भी आपका ग्रेफाइट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। चलिए तीसरा है, तीसरे टाइप का एलोट्रोप है आपका फुलेरे, तीसरे टाइप का एलोट्रोप है आपका फुलेरे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ग्रेफाइट और डायमंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी इंपॉर्टेंट है फुलेरे। तो बच्चों फुलेरिन कैसे होता है, फुलेरिन जो होता है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर आप देखें फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल लाइक होता है, कैसा होता है, फुटबॉल लाइक, यानी गोल होता है, फुटबॉल में जैसे नहीं होता है ऐसे रिंग होती है, फिर एक फाइव मेंबर की रिंग होती है, इस तरीके से फुटबॉल होता है। अब मैं आपको फुटबॉल का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन तो बता नहीं सकता, चलो फिर भी देखते हैं, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, कैसा होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है।
तो फुलरिन कैसा होता है आपका? ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फुटबॉल कैसा होता है? इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें कैसा होता है आपका? फाइव मेंबर की बेरिंग होती है, सिक्स मेंबर की बेरिंग होती है, इस तरीके से फुटबॉल होता है, इस तरीके से फुटबॉल बना होता है आपका, इस तरीके से कुछ फुटबॉल होता है। अब मैं इतना अच्छा ड्राइंग में नहीं हूं कि मैं एग्जैक्ट आपको बता सकूं। फाइव मेंबर की रिंग भी होती है, सिक्स मेंबर की बेरिंग होती है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कुछ फाइव मेंबर की बेरिंग होती है, कुछ सिक्स मेंबर की भी होती है। अभी थ्री डी में होता है प्रॉपर, इस तरीके से होगा ना। आगे का भी बनाना पड़ेगा, पीछे का भी बनाना पड़ेगा, तो मुश्किल है। फिलहाल आप याद रखो कि फुटबॉल फुलेरिन कैसा है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। कैसा एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ठीक है। फुलेरिन कैसा आपका? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इसका फुटबॉल लाइक होता है। इसमें आपके सिक्स और फाइव मेंबर दो तरह की रिंग होती है। इसमें रिंग किस तरह की होती है? सिक्स और फाइव मेंबर दो तरह की रिंग होती है। सिक्स मेंबर रिंग किसे बोलते हैं? ये वाला आपका क्या है? सिक्स मेंबर की रिंग है। कैसे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपकी सिक्स मेंबर रिंग। क्या है? सिक्स मेंबर रिंग। और ये कैसी है आपकी? फाइव मेंबर रिंग है। क्या है? फाइव मेंबर रिंग। ये आपकी कैसी? फाइव मेंबर, फाइव मेंबर रिंग। ये आपकी क्या है? सिक्स मेंबर रिंग और ये आपकी फाइव मेंबर रिंग। सिक्स मेंबर रिंग और फाइव मेंबर रिंग, सिक्स मेंबर और फाइव मेंबर रिंग, ठीक है। तो फुलेरिन में दोनों टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है, सिक्स मेंबर रिंग और फाइव मेंबर रिंग। सिक्स मेंबर की कुल कितनी रिंग होती है? ट्वेंटी रिंग्स होती है फुलेरिन में। कितनी? ट्वेंटी रिंग्स। इसका जो फॉर्मूला होता है फुलेरिन का, वो होता है सी सिक्सटी। क्या होता है? सी सिक्सटी होता है इसका फॉर्मूला। सिक्स मेंबर की कुल कितनी रिंग होती है? ट्वेंटी रिंग होती है। और फाइव मेंबर की कुल कितनी रिंग होती है? ट्वेल्व रिंग्स होती है। कितनी? ट्वेल्व रिंग्स होती है, ठीक है। तो सिक्स मेंबर की कुल कितनी रिंग होंगी? ट्वेंटी रिंग्स होंगी। सिक्स मेंबर की कुल ट्वेंटी रिंग्स एंड फाइव मेंबर की कुल ट्वेल्व रिंग्स होंगी, राइट। फुलेरिन का फॉर्मूला हमें पता है, C60, AB एलोट्रोप ऑफ कार्बन, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें सिक्स मेंबर की बेरिंग होती है और फाइव मेंबर की बेरिंग होती है। ट्वेंटी रिंग्स आपकी किसकी होती है? सिक्स मेंबर की होती है। और ट्वेल्व रिंग आपकी किसकी होती है? फाइव मेंबर की। किसकी? फाइव मेंबर की। ट्वेंटी रिंग आपकी सिक्स मेंबर की और ट्वेल्व रिंग आपकी कितने मेंबर की होती है? फाइव मेंबर की रिंग होती है। कितने? फाइव मेंबर की, राइट। तो सिक्स मेंबर की कितनी रिंग? ट्वेंटी रिंग। और फाइव मेंबर की कितनी रिंग? ट्वेल्व रिंग्स। कितनी? ट्वेल्व रिंग्स होती है, ठीक है। तो एलोट्रोप्स क्या होते हैं? कोई भी एलिमेंट नेचर में किस किस फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर आप कार्बन के एलोट्रोप सर्च करने जाएंगे, अगर आप नेचर को कार्बन में, सॉरी, कार्बन को नेचर में सर्च करने जाएंगे, अगर आप कार्बन को नेचर में सर्च करने जाएंगे तो आपको वो तीन फॉर्म में मिलेगा। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। डायमंड मेनली कह रहा हूं मैं, है ना, मेनली तीन फॉर्म में पाया जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। डायमंड है ना, तो ये सब क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड आपका क्या होता है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, जिसमें एक कार्बन आपका चार कार्बन से जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से। सारे कार्बन, ये लंबा नेटवर्क होता है ना, इसे नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है ना। ये ऐसे नहीं चमकता है, इसको एक पर्टिकुलर एंगल डालने पे ही चमकता है। वहीं पे दूसरी तरफ ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट में एबी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। एक कार्बन तीन अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लाइड कर सकती है, इसीलिए इसे लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। पेंसिल में भी जो होती है, एचबी पेंसिल जो आती है, पेंसिल में ग्रेफाइट होती है, वो भी देखो कितना स्लाइडिंग होता है, आसानी से स्लाइड कर जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखो, है ना, उसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है ना। ग्रेफाइट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ग्रेफाइट कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि ग्रेफाइट के पास आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। फिर हमने फुलेरिन देखा, क्या देखा? फुलेरिन देखा। फुलेरिन का फॉर्मूला होता है C60। क्या होता है फॉर्मूला उसका? C60। फुलेरिन भी आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जो आपका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिक्स मेंबर और फाइव मेंबर की दो तरह की रिंग होती है। सिक्स मेंबर की कुल ट्वेंटी रिंग्स होती है और फाइव मेंबर की कुल बारह रिंग होती है। सिक्स मेंबर की ट्वेंटी और फाइव मेंबर की बारह, ठीक है। इस ये आपका रिंग होगी। तो दिस वॉज बेसिक अबाउट एलोट्रोप्स। तो आई होप आपको एलोट्रोप्स पूरे समझ में आए होंगे ढंग से। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, की हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के टाइप।
हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्केन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाइड्रोकार्बन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें। ठीक है, चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।